incredible. स्वामी विवेकानंद एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुआ। भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। सन 1884 में पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार के भरण पोषण का भार भी उन्हीं पर पड़ा। स्वामी विवेकानंद गरीब परिवार के थे। नरेंद्र का विवाह भी नहीं हुआ था। 1889 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता से प्रवेश परीक्षा पास की। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं। यह उपदेश विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्रनाथ ने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। गुरु रामकृष्ण के मृत्यु के बाद वो देश के पुनर्निर्माण के लिए समूचे भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान उन्हें कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ा। उनकी यह महान यात्रा कन्याकुमारी में समाप्त हुई, जहाँ ध्यान मग्न विवेकानंद को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि भारत के पुनर्निर्माण के प्रति उनके लगाव नहीं उन्हें अतः 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाने के लिए प्रेरित किया, जहां वो बिना आमंत्रण के गए थे। एक अमेरिकन प्रोफेसर के सहयोग से किसी प्रकार उन्हें बोलने का समय मिला और 11 सितंबर साल 1893 के उस दिन उनके अलौकिक तत्वज्ञान ने पाश्चात्य जगत को चौंका दिया। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि वस्तुतः भारत की जगतगुरु था और रहेगा। सन 1897 में जब विवेकानंद भारत लौटे तो राष्ट्र ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और उनके द्वारा दिए गए वेदांत के मानवतावादी गतिशील तथा प्रायोगिक संदेश ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद पहले अंतरराष्ट्रवादी थे, जिन्होंने लीग ऑफ नेशन के जन्म से भी पहले वर्ष 1897 में अंतरराष्ट्रीय संगठनों, गठबंधनों और कानूनों का आह्वान किया, जिससे राष्ट्र के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए।